नवजात के पैदा होते ही मां और बच्चे को बंधक बना लिया गया। बंधक बनाने वाला कोई गुंडा नहीं, बदमाश भी नहीं है, ना ही महिला का परिवार है, बल्कि जिस हॉस्पिटल में बच्चा पैदा हुआ उस हॉस्पिटल की एएनएम ने ही बच्चे सहित मां को बंधक बना लिया है, वो भी चंद रुपयों के लिए। ये पूरा मामला बलिया के नरही सीएचसी का है, जहां 2 दिन पहले एक गर्भवती महिला भर्ती हुई थी। महिला ने हॉस्पिटल में एक बच्ची को जन्म दिया, लेकिन एएनएम ने रुपयों की डिमांड करते हुए मां और बच्ची को डिस्चार्ज करने से मना कर दिया, जिसके बाद पीड़ित ने पत्नी का मंगलसूत्र बेचकर किसी तरह 5,000 रुपए तो एएनएम को दे दिए, लेकिन अब 2,000 रुपयों के लिए एएनएम ने जच्चा बच्चा को बंधक बना लिया है, जिसके बाद परेशान होकर पीड़ित ने उच्च अधिकारियों को पत्र लिखकर न्याय की गुहार लगाई है। वहीं इस मामले में सीएमओ जितेंद्र पाल ने कहा कि मामले की जांच कर दोषी के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। हमारी जो है डिलीवरी जो है हुआ है कल के ही डेट में। किसकी डिलीवरी हुई है? हमारी बीवी का। अच्छा, तो क्या मामला है? एप्लीकेशन वगैरह लेके आप क्यों बैठे हैं यहाँ पे? वहाँ पर जो है हम दिक्कत में हम जो है फंसे। कल की जो है डिलीवरी जो है हुआ है, हम पैसा जमा कर दिया है अभी। और कहाँ पैसा जमा किए हैं? पुष्पा राय के पास, एनएम के पास। कितना पैसा जमा किए हैं? 2,000 रुपया। अच्छा, फिर अभी क्या मामला है? अभी 2,500 रुपया और जो है मांग रहे हैं अभी, 1,000 रुपया कागज पत्र के और 1,000 रुपया दवाई के, 500 रुपया यहाँ। वो तो अपने बयान में कह रहे हैं कि अभी 2,500 रुपये और मांग रही है। आपको जानकारी नहीं है इसकी? ना, हमकी जानकारी नहीं। अच्छा, आपको जानकारी नहीं है इसकी? इसके पहले जो आप पेशेंट लेके आते थे उनके साथ क्या होता था? पैसा कभी दिया आपने इसके पहले? नहीं। इसके पहले फ्री होता था? नहीं, फ्री नहीं होता था। इसके पहले डिलीवरी फ्री होती थी? फ्री नहीं होती थी, लेकिन इतना पैसा का मांग नहीं होता था। कितने पैसे का मांग होता था? और जो 3,000 से 5,000 से है। जो बुझाता है? नहीं बुझाता तो नहीं है, बुझाता तो नहीं है। मतलब आपको जानकारी नहीं है कि इसके पहले पैसे मिलते थे नहीं मिलते थे उनको? मतलब इसकी जानकारी आपको नहीं है? जानकारी पहले पैसा मिलता था, लेकिन ना पैसा हम नहीं मिलता था। आप जो पेशेंट लेके आती थी उनसे पैसा दिलवाती थी नहीं दिलवाती थी, इतना जानना चाहते हैं हम? के पेशेंट से पैसा ना दिवाल चाहिए, ना पैसा हम ना चाहिए, लेकिन पहले हम ना कहली कि ना ऐसा तू पैसा दिवाओ। मामला ये है सर कि जब हम यहाँ मीटिंग के लिए आई तो ये इटही गांव के लड़के हैं जो हमसे आई तो ये बोले कि चाची ऐसा है कि हमको छुट्टी करवा दीजिए। क्या हुआ है? हमने पूछा क्या हुआ है, तो वो बोले कि चाची देखिए हमारी बेटी हुई है और 2,000 रुपया मैंने पुष्पा राय को दे दिए हैं और 2,500 रुपया मतलब और मांग रही हैं, और मांगने के बाद हमको छुट्टी नहीं दे रही हैं कल से ही, और हम बिन खाए पिए यहाँ पड़े हैं चाची रो करके बोला, और हमको छुट्टी करवा दीजिए। तुरंत लेटर लिख के सूचित करता हूँ जी, और तत्काल और त्वरित कार्रवाई की ज़रूरत है और सख्त कार्रवाई की ज़रूरत है इसमें। मतलब आपके संज्ञान नरही बदनाम रहा है। जी जी, आपके संज्ञान में मामला आ चुका है, आप इस पर जो भी लीगल। ये पहली बार आया है जो सब सामने हो, 15 दिनों में पहली बार आया है। जी जी, सुनने में आते रहा है लेकिन लिखित रूप में पहली बार आया है। लिखित रूप में पहली बार आया है, इस पर जो भी यथोचित कार्रवाई होगी आप करेंगे? हाँ, एकदम करेंगे। इसको वापस कराने की कोशिश की जाएगी और महिला को अभी सस्पेंड किया जाएगा फौरन, अगर वो थोड़ी सी भी उनकी गलती आती है, जैसा कि उम्मीद है मिलने की। अभी हम वाईसी साहब उसका लेख लेके यहाँ आ रहे हैं, उनके आने के बाद जांच पड़ताल करने के बाद। तो सर इसमें आपने मतलब जो वहाँ के अधिकारी अधीक्षक हैं उनको आपने बोला है कि इसकी जांच कीजिए और जांच करके रिपोर्ट दीजिए तुरंत? हाँ, वो तुरंत रिपोर्ट लेके आ रहे हैं जी। सबसे बड़ी सवाल, मंगलसूत्र रखकर उन्होंने पैसा 2,000 जुटाया उसके बाद दिया? नहीं, वो तो मेरे सामने की घटना नहीं है। मतलब एज अ उससे पैसा लिया गया, वो अगर शिकायत सही साबित होती है तो पैसा तो वापस होगा ना? हाँ, बिल्कुल होगा। 100% प्लेसमेंट के साथ हम देंगे आपको मौका। लाइफ 24 मीडिया इंस्टीट्यूट, एडमिशन ओपन। रजिस्ट्रेशन के लिए कॉल करें 9560464170, 9560464170।